हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन का एग्जांपल नंबर 10.6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो चलिए सबसे पहले समझना होगा SN2 रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर क्यों? ये रिएक्शन होता है एक हेलो एल्केन एक न्यूक्लियोफाइल के बीच, तो ये रिएक्शन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बायमोलिक्यूलर। तो आपको बताना क्या है, ये क्या है क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इन दो में से किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए ये आयोडीन का है, तो यहाँ से आप नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4। यहाँ से नंबरिंग मत कर दीजिएगा क्योंकि ये आयोडीन का लाइन है, तो 4 कार्बन है। उसी टाइप से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1 आयोडोब्यूटेन 1 क्लोरो ब्यूटेन, इन दोनों में किसमें फास्टर होगा। तो SN2 रिएक्शन समझने के लिए आपको डिग्री समझना होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसे कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप कनेक्ट है, ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, ये कार्बन देखिए 1 और 1 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये क्या होगा 2 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप कनेक्ट है, ये कार्बन देखिए 1 2 3 से कनेक्ट है, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री। अब समझते हैं SN2 रिएक्शन में जो डिग्री का ऑर्डर क्या होता है। तो SN2 रिएक्शन में जो डिग्री होता है फास्टर किसमें होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऐसा क्यों? चलिए थोड़ा इसके कंसेप्ट के पीछे हम लोग चलते हैं। आइए, एक 3 डिग्री अगर हम हेलो एल्केन बनाएं तो CH, यहां पे भी ध्यान दीजिए इस टाइप से हम लिख रहे हैं, क्यों? ताकि समझ में अच्छे से आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एच है, एच एच एच, यहां पे एक क्लोरीन है, आप इस पे एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हैं, किसे? न्यूक्लियोफाइल को। ये भी नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखिए यहां पे क्या आ गया पार्शियली नेगेटिव और यहां पे क्या आ गया पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल वहां से हट रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो इस सामने से तो अटैक नहीं कर सकता है, ये बैक साइड से अटैक करता है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप, ये भी एक मिथाइल ग्रुप, मतलब ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ से बैक साइड से जब अटैक करेगा तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउड ज्यादा होगा, तो ये OH- मतलब एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा से अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन फास्टर ना होके स्लो होगा। ये अगर 1 डिग्री होता तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर सी होता एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच क्लोरीन, और यहां पे अगर मुझे OH- अटैक करना होता तो यहां पे देखिए आसानी से जगह है, यहां पे आसानी से अटैक करता है, तो ये क्या है 1 डिग्री। इसलिए SN2 रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, आपका SN2 मैकेनिज्म इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, यहां पे देखिए एक कार्बन से कनेक्ट है। उस टाइप से यहां पे देखिए जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, तो ये क्या हुआ 1 डिग्री और ये क्या हुआ 2 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगा, क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे देखिए 4 कार्बन 4 कार्बन, जिस कार्बन से आयोडीन कनेक्ट है, ये कार्बन देखिए एक ही कार्बन से कनेक्ट है, मतलब 1 डिग्री। जिस कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट है, ये भी देखिए एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये भी 1 डिग्री। तो इस टाइप का जब आ जाए कि सेम डिग्री हो और वहां पे अल्काइल ग्रुप सेम हो, बोथ मैकेनिज्म में SN2 या SN1 में, तो वहां पे जो ऑर्डर होता है क्या होता है, RI भी फास्टर होगा, R उसके बाद BR में, उसके बाद किस में, RCl में, उसके बाद RF में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप सेम है। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आता है, साइज क्या होता है इंक्रीज करता है। तो देखिए फ्लोरस ज्यादा साइज क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो जितना बड़ा साइज होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, साइज बड़ा होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, इसलिए ऑर्डर ये फॉलो होता है। कब? जब अल्काइल ग्रुप सेम हो। तो सिंपल सा फंडा है, आ जाइए SN2 रिएक्शन किसमें फास्टर होगा, 1 आयोडो ब्यूटेन में। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए एग्जांपल 10.6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।